होंगे जाहिर सी बात है, वीडियो चल रही है, फ्रेंड्स बाहर हो गया, पता नहीं आएगी नहीं आएगी सही। चलो ठीक है, तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक, फर्स्ट क्लास, लश पश, टिप टॉप होंगे। आज हम एक बिल्कुल नई वीडियो लेके आए, हमने सोचा थोड़ी सी वेरिएशन लेके आते हैं, कुछ पहाड़ों की सैर हो जाए, कुछ नदी नाले देखे जाएं, कुछ अच्छे मनाजिर देखे जाएं। तो आज ही जो वीडियो का टाइटल है वो है वीकेंड इन अफगानिस्तान कंधार एपिसोड वन। वीडियो तो छोटी है, और दूसरा ये कि अफगान मिरर चैनल से वीडियो ली गई है। सबसे पहले उनका थैंक यू सो मच कि उन्होंने हमें परमिशन दी है, उनके चैनल से पहली वीडियो है और हम उम्मीद करते हैं कि वो हमें आगे भी वीडियोस बनाने देंगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, हम भी देखते हैं कैसा है अफगानिस्तान। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और वहाँ पे आपको हमारे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम अकाउंट्स भी मिलेंगे। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट रिक्वेस्ट जो आप लोग जानते हैं कि हम भी क्या कर सकते हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम भी देखें अफगानिस्तान के बारे में क्या चीज है। बिल्कुल, His name is Ano Mena. It's an Australian city in Kandahar. Pehla scene hi breathtaking hai. Neela paani aur neela pahad. Neela aasman. ये वाली वीडियो देख के लगता नहीं कि यहाँ पर कोई जंग हो रही है यार, वो ये ना मसमत कुछ है भाई साहब, दोनों टापो टाप जा रहे। ये भी मतलब मजा है अपना। हाँ ऐसा है, कितना अर्सा हो गया साइकिल चलाई? बहुत टाइम हो गया यार, बहुत टाइम। मुझे भी तकरीबन 10 साल हो गए साइकिल चलाए, वाकई इससे ज्यादा। अच्छा ये वीकेंड पॉइंट है यार जो सुना है ना उससे बहुत ही डिफरेंट है, बहुत ही डिफरेंट है, यकीन करें। बहुत ही वीडियो देख के बड़ा दिल खुश हो रहा है, अफगानिस्तान वैसा है खूबसूरत। यहाँ पे 125 पर 70 cc। हाँ ज़्यादा 125। यार ऐसे पिकनिक पॉइंट एक अपना मज़ा होता है, गैदरिंग का सब, यानी कि फ्रेंड्स वगैरह आते हैं अपनी अपनी जगह ढूंढ के, सब बैठे बैठे हैं आराम से। और पख्तून कल्चर तो एक आपको बताए, मैंने यहाँ पाकिस्तान कराची में भी देखा है, वो भाई फुल एंजॉय करते हैं, फुल एंजॉय। ओए नहीं तो मैं तो नहीं मान रहा कि अफगानिस्तान है जिस तरह की बिल्डिंग्स, कंस्ट्रक्शन, रोड्स, पार्क। हाँ मैंने देखा रोड बड़े साफ सुथरे, हमने वो देखा ना, जैसे हम तो ऐसे सकते अफगानिस्तान ऐसा है, जैसे मिसाल के पे कुछ वीडियोस दिखाते हैं वो इराक, यार वही बात है, मीडिया पे इसी तरीके से पोर्ट्रेट किया जाता है, यही चीजें। हमने इंडिया का भी जो एक चेहरा देखा है इसे यूट्यूब पे ही देखा है, बिल्कुल ऐसे ही एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे शुरू में, जब हम रिएक्शन वीडियोस बना रहे थे हम एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे कि ऐसा भी है, बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि शुरू से न्यूज में तो हमें कुछ और ही सुनने को मिल रहा होता है।
देखने से पता चलता है यार, बस देखने से आप बंदा की चीजों में देख भाई ना उसके किनारे बैठा आराम से शाम का टाइम। यहाँ अगर दरख्त थोड़े से और ज्यादा हो ना तो सेम इस्लामाबाद में इस्लामाबाद बहुत घना है, बहुत गर्मी है, पहाड़ ऐसे ही है जैसे यहाँ पर पहाड़ वैसे ही है। मजीद आपके लिए लेके आएंगे, हम खुद भी देखना चाहेंगे अफगानिस्तान कैसा है, कितना खूबसूरत है। ये सारी बात ये हाँ। है कि इस तरह की चीजें देखने से पता चलता है कि दुनिया में हो क्या रहा है। अगर बंदा बिल्कुल न्यूज चैनल्स पर डिपेंडेंट हो जाएगा ना फिर तो काम खराब है, क्योंकि जो सीधी बात है मैं भी अंदर से थोड़ा सा मेंटली मतलब शॉक हो गया हूँ कि हमेशा यही सुनने को मिल रहा है जी वहां ब्लास्ट हो गया अफगानिस्तान में, ये हो गया वो हो गया। और फिर मुझे याद पता क्या रहा था कि अक्सर लोग ये भी अज्यूम कर रहे होते हैं जो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं कि पाकिस्तान में पता नहीं कितनी जंग हो रही है, लोग मर रहे हैं शायद, मतलब रोडों पे लोग घूम रहे हैं बंदूकें लेके, हालांकि ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं है। इवन मुझे मतलब 10-12 साल हो गए हैं यहाँ पे रहते हुए इस एरिया में, इस शहर में कभी इस तरह कुछ नहीं हुआ। हाँ होता था, थोड़ा बहुत हुआ किसी एक हिस्से में, हुआ खत्म हो गया। इस तरह मैं समझता हूँ कि अफगानिस्तान में इस तरह के कुछ हिस्से ही हैं जहाँ पे ये चीजें हैं, बिल्कुल है, ये नहीं कि बिल्कुल अफगानिस्तान के पुरसकून, यानी कि कुछ हिस्से ऐसे हैं जहाँ पे प्रॉब्लम्स होती हैं, ये इसमें कोई बात नहीं है। कुछ अर्सा पहले आपको याद होगा शायद आपके साथ मैंने देखी थी वो नोमैडिक इंडियन की वीडियो। हाँ बिल्कुल याद है, बिल्कुल याद है मुझे। तो वो भी गए, वो भी आराम से घूम रहे हैं वहाँ पे, सब कुछ पार्क में भी जा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। हाँ एक दो जगहों पे उनको खतरा महसूस हुआ है, वो भी इसलिए कि उन लोगों का लाइफस्टाइल थोड़ा अलग है। अलग बिल्कुल, हर रीजन का हर कंट्री का अपना अपना एक लाइफस्टाइल होता है, अपनी नॉर्म्स होती हैं, अपनी वैल्यूज होती हैं। तो जब नया बंदा अलग से कोई बंदा जब उस सोसाइटी का हिस्सा बन रहा होता है या वहाँ पे जाता है तो उसको कुछ चीजें अजीब सी लगती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि बाहर से लोग भी काफी सारे आए, मैंने बाहर के ट्रेवलर्स भी देखता हूँ काफी सारे अफगानिस्तान आए, उनकी भी मैंने वीडियोस देखी। हालांकि वो समझ रहे गोरा कोई अननोन ऐसी जगह पे आ जाए अफगानिस्तान में तो उसको उठा लेते हैं जो एक यहाँ पे परमिशन ऐसा बना हुआ है, लेकिन ऐसा है नहीं। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि काफी सारे लोग हैं वहाँ पे वीडियोज वगैरह बनाते हैं, हो सकता है सिक्योरिटी तो प्रोवाइड करते होंगे, नो डाउट इसमें कोई वो बात नहीं है, होती होगी। लेकिन अभी रिसेंटली अतीक भाई को याद है या नहीं, मुझे याद तो है कि हमारे एक यानी कि हमारा साथ है कुलीग समझ लें या कोई रिलेटिव समझ लें ऐसे ही, उनसे हम बातचीत कर रहे थे कि यार हमने असल में ट्रेवल का एक चैनल शुरू कर रहे हैं इसके अलावा। तो अतीक भाई हम उनसे बात कर रहे थे कि अगर हमने बाय रोड जाना है तो अफगानिस्तान में कहाँ कहाँ जा सकते हैं, कैसे जा सकते हैं, क्योंकि हमें उनसे पूछना इसलिए पड़ा कि वहाँ उनके रिश्तेदार और रिलेटिव हैं तो आते जाते रहते हैं। हमें सोच रहे थे यार पता नहीं कैसा रहेगा वहाँ पे, क्या जाना देंगे नहीं देंगे, तो उनसे हमारे ऐसे तरीके से बात करने में कोई मसला नहीं है, आराम से आप जा सकते हो, कहीं पे कोई इश्यू नहीं है, इक्का दुक्का ऐसी जगह है वहाँ पे जाने की जरूरत नहीं, लेकिन बाकी अदरवाइज आप पूरा अफगानिस्तान अलग साइड में घूमो तो कोई मसला नहीं है, आप जा सकते हो। उधर आगे रशिया
यानी अजरबैजान, हर जगह आप जा सकते हो अफगानिस्तान से। तो ये देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने साथ में ये भी बोला था, उन्होंने साथ में ये भी बोला था कि आप जो है ना ये कौन सी लैंग्वेज है, फारसी, आप ना फारसी सीख के जाना थोड़ी सी। मैं ना थोड़ा पहले परेशान हो गया, मैंने कहा यार फारसी का क्यों बोल रहे हैं। तो मैंने कहा कोई मसला है वहां पे? कह रहे नहीं मसला कोई नहीं है, वो अफगानिस्तान में एक रीजन ऐसा है जहाँ पे पश्तो या अफगानी से ज्यादा वहाँ पे फारसी बोली और समझी जाती है, तो कह रहे आपको वहाँ पे कम्युनिकेशन में आसानी होगी। मैंने कहा वाह यार अच्छा, इसलिए था, शुक्र है कोई सिक्योरिटी। दो असल में कही थी, एक फारसी एक यानी कि पश्तो जो वहाँ की यानी कि जुबान है। तो मैंने इनको बोला कि यार फारसी आप सीख लो, पश्तो मुझे आती है, चला लेंगे, कोई गुजारा हो जाएगा, क्रास ही करना है ना खाली, तो हम कर लेंगे, टेंशन नहीं है। मुझे पश्तो आती है अल्हम्दुलिल्लाह, जितनी आती है इतनी आती है कि मैं वहाँ पे सर्वाइव हम दोनों भाई कर सकते हैं। फारसी मेहनत करनी पड़ेगी, हाँ फारसी का मेहनत कर लें। अच्छा तो यार वीडियो बहुत अच्छी लगी, अच्छा देख के हमें भी अच्छा लगा, और नेक्स्ट वीडियो भी हम देखते रहेंगे। खूबसूरत, बिल्कुल बहुत खूबसूरत जगह है, और दुआ है कि यार अफगानिस्तान के साथ साथ और इसके अलावा दुनिया की हर जगह पे अमन सुकून पे शांति रहे, कहीं पे कोई डिस्टरबेंस ना हो, कोई एक दूसरे का गला नोचना, काटना, मारना, पीटना, ये चीजें यार खत्म होनी चाहिए। आप खैर बार मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँ, सॉरी आपको बात कर रहा हूँ, यूरोप भी तो रह रहे ना। हाँ यार बॉर्डर नहीं है, जैसे यूरोप के इलाके यहाँ पे बॉर्डर नहीं है, और हम लोग बस क्या यार क्या कौन से धंधों में कौन से चक्कर में बस रहने दे हम, तो मैं कहता हूँ बस। चलो भाई अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, यहाँ करते हैं वीडियो को खत्म, और मिलते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसी के साथ साथ बाय।